सांसदों की बैठक बुला ली है अमित शाह ने। दिल्ली के जो 7 सांसद हैं उन्हीं के हिसाब से हम ये दिखा रहे थे पीछे कि कौन कौन कितना काम करके लाया है। हालांकि इस बार बीजेपी ने तो 240 सांसद कम से कम उतार दिए थे मैदान में दिल्ली का चुनाव जिताने के लिए, लेकिन इन सातों की जिम्मेदारी तो बनती है ना कि भाई अपने इलाके में आपने कितनी कितनी विधानसभा जिताई पार्टी को, उसके लिए आपने क्या किया, क्यों नहीं आप वो कमाल कर पाए जिसके लिए पार्टी के सारे बड़े नेता जमीन पर उतर कर घर घर जाकर पर्चे तक बांटने का काम कर रहे थे। देखिए रोहित, एक चीज बड़ी खतरनाक होती है कि जब पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ एक शख्स पर डिपेंडेंट हो जाती है। ये तो आम आदमी पार्टी में भी है। बिल्कुल, ये जिस भी पार्टी में ये हुआ है वो पार्टी का भविष्य बहुत बेहतर नहीं होता। जिस कल्ट पॉलिटिक्स का आप पहले से विरोध करते रहे। आप देखिए इंदिरा गांधी की राजनीति, इंदिरा गांधी के जमाने में किसी नेता की कोई हैसियत नहीं थी। राज्यों के अंदर जो बड़े बड़े नेता थे उनको हटा के डिस्टेबलाइज करके नए लेता है। होता क्या है कि सांसदों को लगता है हम तो मोदी जी आएंगे, मोदी जी हमको जिता देंगे, तो ना तो वो अपनी चुनाव क्षेत्र में काम करते हैं और ना ही वहां दूसरे किसी कार्यकर्ता को डेवलप करने देते हैं। ये मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से बता सकता हूँ। तो ये जो लेकिन आशुतोष जी दोनों यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि अगली बार फिर वो नए खेप को उतार। बिल्कुल, अब जैसे आप यहाँ देखिए सांसदों में इनको कैसे ऐसे चेहरों को उतार दिया। आप एमसीडी की बात करिए ना, एमसीडी के अंदर पिछली बार जो चुनाव हुआ 282 की 282 पुराने जितने थे सबको बदल दिया उन्होंने, बिल्कुल नए थे, ग्रीन हॉर्न्स। आप दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को देखिए, इन्होंने भी उसी तरह से अपने कैंडिडेट्स को बदला। इसलिए जब व्यक्ति के आधार पर राजनीति होती है तो यही होता है, नई खेप पैदा करो। तो इसलिए मैंने जो शुरू में मैं कह रहा था कि मैंने कहा जब पार्टी के अध्यक्ष को खुद उतरना पड़ जाए तो वो कमजोरी का प्रतीक है। आप महाराष्ट्र के अंदर देखिए शरद पवार ने पूरी रणनीति अपने इर्द गिर्द रखी, चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आज तक उनकी पार्टी 55 से ज्यादा सीट लेके नहीं आ पाती। इतने बड़े नेता हैं, एक जमाने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुआ करते थे। कल अगर शरद पवार नहीं रहेंगे तो क्या एनसीपी जिंदा रहेगी?